एक वक्त था जब लोग नेताओं की बातों पर भरोसा करते थे, लेकिन समय बदला और फिर आया साल 2014। जुमलेबाज और झूठ बोलने वाले देश के सबसे बड़े पद पर बैठ गए और तब से लेकर अब तक हर बार चुनाव जीतने के लिए पूरे देश में भारी भरकम वादे और फिर कुर्सी पर बैठने के बाद उन सब पर मिट्टी डालकर नए जुमलों की ओर आगे बढ़ गए। इस रिपोर्ट में दिखाने के लिए लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिन झूठे वादों और जुमलों का सहारा लेकर अपनी सरकार बनाई और लोगों को उल्लू बनाया, उन पर कुछ नजर डालते हैं। सबसे पहले मोदी ने स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही, अब देश में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है रोजगार। मोदी साल 2014 से पहले जो भाषण देते थे तो उसमें कहते थे कि दोस्तों रोजगार आपके शहर और आपके प्रदेश में ही मिलना चाहिए। अब इस रोजगार की हकीकत तो आप खुद ही जान रहे हैं। देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, जो अप्रैल 2023 में और बढ़कर 8.11% तक पहुंच गई है। मोदी सरकार में नई नौकरियां तो मिलना छोड़ दीजिए, जो पुरानी कर रहे हैं उनके भी पसीने छूटे हुए हैं। किसानों को लेकर भी मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन दोगुनी तो आय हुई नहीं, उसे तो छोड़ ही दीजिए और कानून ला दिए। किसानों ने विरोध किया तो गोली लाठी डंडे बरसाए गए और 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। अब आखिर में काले धन पर बात कर लेते हैं। मोदी जी ने साल 2014 में काले धन के बारे में भी कहा था। यह वादा तो मोदी जी ने किया था, लेकिन इसके ठीक विपरीत उन्होंने कार्य किया और एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे बस फायदा उनके और उनके दोस्तों का हो सके। और नोटबंदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसको भारत की जनता चाहकर भी भुला नहीं सकती है। और अब पोस्टर्स को भी देख लीजिए, जिनमें मोदी सरकार ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन देश को हाथरस, उन्नाव, कछुआ, महिला पहलवान, मध्य प्रदेश में नाबालिगों के साथ जाति जैसे अनेक उदाहरण हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हकीकत को उजागर कर रहे हैं। बेटी बचाओ की जगह आज प्रधानमंत्री मोदी पहलवानों के साथ अत्याचार करने वालों को पनाह दे रहे हैं। बहरहाल बदलते मौसम में अब मोदी को अपनी कुर्सी गंवाने का डर भी सता रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।